बहुते चलाता है लड़के तू तो। दिनेश 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 कैसे पागल ऑटोमेटिक सी से हेलो भाई अरुण पवार इंट्री आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये भी बलेने की तरह तो नहीं है कि बंद हो जाती है। आज हमारे यार दोस्त आ गए हैं इधर चले इधर चले या सोनेट को देखने के लिए। यो इनमें से एक गंजा और एक ये दोस्त आ गए। बहुत लोग कह रहे थे कि आप क्यों नहीं गए थे डिलीवरी में। मैं नहीं गया था डिलीवरी में, मुंह तो कही का ही थे ना। ओए मारा कुत्ता है, यू 3 स्टार गाड़ी है हल्के हाथ से। ये 3 स्टार तो है। तू लेके तू बता तो सही तू क्यों नहीं गया। नाउ आई एम एन ऑफिसमैन मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अच्छा इसलिए कहां यही सब पढ़ो या आगे चलो। चल ना सीधा। तो आज अभेद यादव हमारी अभेद यादव ओए देख क्यों राव साहब तो पैसे आवे बस। और राव साहब वो तेरे जरा को रडोले एलवी से तेरी तरह पवार भी हल्की इन द सेंस। अरे मतलब चलाने में हल्की चलाने से मैं हल्की बैठ देख हमारे गांव के ओल्ड मैन स्टीयरिंग और ये ब्रेक वगैरह काफी लूज है। वो देख कितने कितने पप्पी आ गए इनमें से उठा ले चले एक सेरक बदले देख कितने कितने आराम से लीजिए भाई बिल्कुल चल चल ले 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 अब ऐसे। अरे नहीं यार इनका कोई भरोसा नहीं होता तो भाग जाते हैं। ले 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 बच गया। हाँ ये ना जो देसी कुत्ता कुतिया रहे दे में 5-6 बच्चे आखिरी में 1-2 ही बचे हैं। क्यों कोई गाड़ी के नीचे आ जाए कोई मेरे तुम्हारा एक डैमी है वो आराम से नई गाड़ी है यार। ए यार अबे तुझमें तो दिल ही नहीं है। अब मुझे लगा कि इसका सस्पेंशन भी स्कॉर्पियो जैसा होगा। तो भाई ये हमारी सोनेट है 1.2 लीटर का इसके अंदर आता है भाई पेट्रोल इंजन 83 BHP के साथ ओनली 130 Nm का टॉर्क। पर जो बात है डीजल इंजन में वो नहीं है ना वही भाई। तो तेरी तूने जो सेल्टोस लिए। अरे यार वही तो बात। अच्छा एक और चीज बता दूं भाई इन्होंने ना इस क्या नाम है तेरा अबे वाह अबे हर ने भी ना नई वो लिए सेल्टोस पेट्रोल वो भी HTX और भाई फेसलिफ्ट आ गई और पुरानी लिए आज की दिन भी। तू बता 2 लाख वर्थ है उसमें नई वाली में देना है। बिल्कुल वर्थ है यार नई चीज है। 16 लाख और कहां 18 लाख जबकि कुछ भी चेंज ना रीसेल में भाई देखते को बहुत दिक्कत होगी। ओ रहन दे हमें रीसेल करनी ना है तो पर ठीक है मतलब अगर ऐसे देखो शौकीन बंदे को ना लेनी हो तो उसके लिए ठीक है। अब 2 लाख HTX का प्राइस 2 लाख बढ़ गया। हाँ, ऑन रोड पड़ रही है ऑन रोड और में 16 की पड़ी है। और वो डिस्काउंट दिया कुछ डिस्काउंट कितना ना वैसे तो 17 की पड़ रही थी वो पर ये एक स्टैंडर्ड वारंटी 23-24 हजार का। हाँ और इंश्योरेंस उन्होंने फ्री का दिया। इंश्योरेंस फ्री हाँ मतलब उन्होंने कहा हम करा के देंगे। अबे हाँ ना सेल्टोस पे पुरानी वाली 80-80 हजार रुपए को एक शोरूम पर डिस्काउंट मिल रहा हो गोचू। अरे इंश्योरेंस 16 की पड़ी है अब ये अब तू लगा ले कुछ भी कैसे भी डिस्काउंट झूठो। तो फिर तो 17 की वो थी पुरानी वाली 18 की थी ऑन रोड नई वाली तो हमें 16 की पड़ी ना तो हमें तो 2 लाख देना पड़ रहा है ना हम तो वो देखेंगे। हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई वीडियो बीच में कट हो गई थी मेरा 512 GB ये भी फुल भरा पड़ा है तो वो वीडियो बीच में रुक गई थी उसके लिए सॉरी। तो इन्होंने भाई तो नहीं लगवाए सीट कवर कुछ भी मत तू अरे छोड़ पहले उससे पहले ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इन्होंने पुरानी सेल्टोस ली क्योंकि उस पे 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा था तो ऐसे करके ये उसको उठा लाया। दिनेश ओ वो रहा भाई सफेद रंग का अगर आपको दिखे ये आईफोन भाई ये इतने बुरे हैं ना एप्पल वाले ऊपर वालों ने देख रहा है जब 15 आ रहा हो ना थोड़े बहुत दिन में तो या में ना या को बैटरी बैकअप इतना गंदो कर दियो कैमरा में इतने बग वॉइस क्वालिटी में ऑडियो क्वालिटी में आवाज दब जाती है सामने वाले की। खुद से कैसे कर देते हैं यार सॉफ्टवेयर अपडेट देते हैं। अब मेरे जैसा जो कर लेता है ऑटो पे लगा के उसका हो जाता है ऑटोमेटिकली। 13 में भी ऐसा ही हुआ था। हाँ ये दिक्कत करने लग जाते हैं जिससे आज भी 15 ले ही ले इतने चालू आदमी है ना भाई। सेम का सेम ही आ रहा है वो भी कुछ भी ऐसा मेजर चेंज ना। हाँ तो यार अब हमारे पूरे उसमें ग्रुप से में देखो तो किया ही क्या हो गई अब अभी किया ले आया हम एक सेल्टो से पहले ही एक किया ये हो गई काफी कियाज हो चुकी है हम मार्केट में। देखो सीटिंग फिटिंग वाइज तो बिल्कुल सेल्टो जैसी लगती है गाड़ी फिटिंग में चलाने में कैसे तो जब तू अपनी पेट्रोल को चलाएगा ना सेल्टोस को बिल्कुल सेम फीलिंग आएगी। मैं यही वाली हाँ नहीं उसका थोड़ा बड़ा इंजन होगा 15 cc का इंजन है तो गाड़ी भरी वो भी तो गाड़ी भी तो बड़ी है और भारी भी तो है थोड़ी
हैं? तब भी यार थोड़ा तो सही होगा। नहीं तो क्रेटा चलवाऊं चल मैं तो, गियर वाले इनकी सेम टू सेम है बिल्कुल, ऐसे ही बिल्कुल मरी पड़ी है भाई। मजा आ रही ना पेट्रोल गाड़ी में, मैं तो तेरे से इसीलिए तो कह रहा था भाई डीजल ले लो। अब भाई आप खुद बताओ HTX लेने का कौन सा सेंस है यार सेल्टोस में? अरे क्योंकि HT के मिल नहीं रहा था यार, तो HT के प्लस ले लेता। देख सबसे मेजर बात थी ये कि डीजल में मैनुअल नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब पेट्रोल लेने का बस एक यही मेजर कारण था कि हमें लेना पड़ा, नहीं तो हम डीजल ही लेते हर हालत में। आज तक हमने कोई पेट्रोल गाड़ी ना ली, ब्रेजा ली थी, स्कॉर्पियो ली, सब डीजल। तो इस बार तो मोटी गलती कर दी इस बार यार। अब मोड़ लो, चलो बस चल गई, रुक जाओ आगे पेट्रोल पंप से मोड़ेंगे। अरे मोड़ ले पेट्रोल पंप है वो वाले से। अरे कि टेरन ने क्यों घिसा है, खामा खाएगी ज्यादा? ओ गाड़ी है तो रोड पे ही चलेगी, टेरन ने क्यों घिसा भाई? देखो क्या ऊपर कह रहा हूँ। हाँ अच्छा, एक्सचेंज में दे मैं ना। अच्छा अच्छा, तो ये रेट लग जाएंगे ज्यादा थल जाए तो मैं थोड़ी ऐप दे। मिट्टी वाले रोड पे चलाते हैं ना इसे, फिर इधर क्यों ले आया तू? मिट्टी वाले रोड पे चलाते हैं मतलब मिट्टी वाले रोड पे टायर नहीं घिसते ज्यादा, इस कौन इस पे ज्यादा? अरे तो ऐसे कभी ना पे पिंच टेप तक कितने घिसे, 1000 किलोमीटर में क्या ही घिसेगा? किलोमीटर देखते होंगे उन गाड़ी को कितने चल गए। हाँ हाँ हाँ, कितने किलोमीटर चल गए। और पीछे का स्पेस कैसा है? काफी गुड है। अरे ये तो है ही ना, उससे पोलो से तो ज्यादा। अच्छा मैं एक और कह रहा था भाई, सीट कवर्स वाली बात जो थी, इस बंदे ने HTX लिया, उसमें आते वो टॉप वेरिएंट है कि अगर आप वैसे बात करते हो टैगलाइन का, तो उसमें सफेद रंग के भाई सीट कवर्स आते हैं, व्हाइट कलर की पूरी थीम, जो इंटीरियर उसका भाई बढ़िया वाला वेरिएंट है। सनरूफ बन रो तो भी चलाएगा तो भाई ससुराल जाऊंगा, बाद में 500 तेल गिरवाऊंगा, ले जाऊंगा ससुराल भी अलग जाएगा। स्कॉर्पियो लेने जाऊंगा या ले जाऊंगा, 500 तेल गिरवाऊंगा, पट्टा जाऊंगा। अरे भाई पेट्रोल है ना भाई, तो खुलेगी बुलेगी ना, खुली पड़ी है। अरे मैं तो 160 चलाई बात नहीं आई, यू इतनी तेज भगा रहा हो यार। भगने के तो भगे, पर वो रहा है कि कितनी देर में भग रही है। 3 किलोमीटर आ गए भाई, पता है अब तेरा इंटेंशन गाड़ी को भगाने का, तुझे इसलिए फील हो रहा है। मान ले अब हम, ये थोड़ी पुरानी हो गई, अब हम नॉर्मली एक ट्रिप पे चल रहे हैं तो इन चीजों का फील नहीं होता, तब एहसास नहीं होता कि अब हमारा फोकस ये गाड़ी को टेस्ट करने का, तो हमको फील हो रहा है। अब तो नॉर्मली चला कि भाई हमको वहां जाना है गाड़ी से, वो हम फालतू में तेल फूंक रहे हैं, वैसे अगर हुआ ना तो फिर फील नहीं होता। पेट्रोल आजकल लोग फॉर्च्यूनर पेट्रोल में लेने लग गए भाई, क्यों 15 साल वाले इतने स्ट्रिक्ट रूल कर दिया ना, 10-15 साल वाला बहुत ज्यादा। तुम्हारे में बिहार में तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों ही 15 साल है। तो तुमने तो बहुत मोटी गलती करी है, तू बुरा मान से भला मान। भगवान कितने दिन तक और ताने मारेगा यार। तो गलती है भाई, मैंने तो पहले ही कही मैंने की अब है मत ले। तो पेट्रोल की गाड़ी वो भी 1500-1600 की एवरेज दे रही है यार, वो भी इतने की दे रही है। ये देखा भाई कितनी की एवरेज दे रही है अभी, तो मतलब इतने कम में तो पता नहीं चलता, 10 की दे रही है अभी तो, क्योंकि ये रेस चला रहा है थोड़ी एकदम पंजा खींच के ले रहा है 102 की स्पीड पे। बहुत तेज चलाता है लड़के तू तो। दिनेश पागल यार तू तो भाई, ड्राइवर बिल्कुल गोंचू है। अरे मैं पीछे देख तो रहा हूँ यार, अरे वीडियो आगे कैमरा में रिकॉर्डेड है आगे यार। एक बार भी ना देखियो पीछे मिरर में कि कोई है ना। कैसे कह रहा है यार, वही है ना नू, क्या समझे हैवी ड्राइवर की ड्राइविंग। जल्द वो दांत अंदर तो आ रहा है भाई, इस गाड़ी का दूसरे मालिक से फुल है जाने के बाद है कि 600-700 की रेंज है क्या? तो अरे वो खाली हो रखे ना, फुल नहीं है, एकदम फुल नहीं है। इस गाड़ी के एक दूसरे मालिक से और मैं आपको मिलवाना चाहूंगा। गुड इवनिंग दातन करते हुए सर जी। ओ भाई ये देखो गाड़ी का ओनर कैसे ऑटोमेटिक सी से इधर आ। एक बात तुझे बताऊं, बोल रहे तुम्हारी भी तो HTX बेस मॉडल है, तुम्हारे में भी हैंडल वाले होंगे ऐसा आकाश कह रहा है। ताकत बनाते हैं, शरीर बनाओ नहीं चलाते रहो। भाई आगे तो मिलने के लिए मालिक साहब, तुम जाओ आराम पा जा।
फार्म में आ रहा हूं, चलो बैठ के पेट्रोल का आ रहा हूं निकल के। अरे अभी आ जा। जिंदगी मौज वाली है वैसे। आएगा सांझ का एक टाइम 5 बजे निकलेगा पूरे खेतों पे, इन वालों पे चक्कर लगाएगा, दातुन लेके पूरे पे घूम के अपना घर एंटर और बस छुट्टी। ये पूरी दिनचर्या है जिंदगी में मौज हो तो दिनेश भाई जैसी। पीछे थी भगड़े लगे हमारे पीछे। अरे ये तो निकल के जा रहे हैं, तो ये ड्राइवर को पता होता है ना कौन हमारे पीछे ड्राइवर। लेकिन तो ड्राइवर में एक क्वालिटी, वो एकदम ब्रेक मार देता है बहुत अच्छी। मान ले सीरियसली कोई गाड़ी हो बाइक हो, उन्होंने एकदम ऐसे ब्रेक ली हमने कहीं ठोकी तो ना है किसी की तरह। आज तो क्या बोल रहा है, अगर कुछ भी बोलते हो क्या चलेगा। चलो भाई, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।